दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली गुच्छी अब हमीरपुर में भी पैदा होने लगी है। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी में शुमार गुच्छी की कीमत 30 से 35 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। हालांकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पैदा होने वाली गुच्छी को तलाश करना मुश्किलों भरा होता है, लेकिन गुच्छी के कुछ पौधे हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बल्कि गाँव मोही में कुछ सालों से पैदा हो रहे हैं। गांव मोही में एक नाले के किनारे सुनसान जगह पर गुच्छी पाई गई है और गांव के किशोरीलाल को गुच्छी कुछ सालों से मिल रही थी, लेकिन शिष्या होने के चलते किसी से बात नहीं करते थे। इस बार भी गुच्छी ज्यादा तादाद में लगने पर गुच्छी होने की पुष्टि हुई है। वहीं किशोरी लाल के अनुसार गुच्छी के पौधों को एक महात्मा को भी बताया था तो कुल्लू मनाली के लोगों को भी दिखाई थी, जिसके बाद लोगों ने भी इसकी पुष्टि गुच्छी के रूप में ही की। तो मेरे को यहाँ मिली है मौन के नजदीक दी। तो क्या मानते हैं ये, मतलब जो चंबा और किन्नौर में होती है वही गुच्छी है? पता नहीं, वैसे तो वैसी लगती है, मतलब मेरे को 5-10 साल से मिल रही है, अभी 2-3 साल नहीं मिली थी, फिर 3 बार से पहले मिल चुकी है, तो मेरे पास सूखी भी पड़ी है। तो क्या क्या मानते हैं इस चीज़ का, किस चीज़ के लिए ज़्यादा उपयोग होता है? किताबों के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सूखी रखता हूँ। वैसे कोई महात्मा जी को दी है, उसके पास भी है हथली में, उसमें भी संभाल के रखी है, अभी दी नहीं है किसी को, भी बताएंगे किसी को। बाकी उन्होंने चंबुआ कुल्लू वगैरह वगैरह के लोगों से पता किया तो ऐसा पता लगा कि ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है। टेम्परेचर बोलते इसके लिए काफ़ी ठंडा चाहिए, तो यहाँ का टेम्परेचर तो नहीं, जैसे बारिश वरिश होती है और गर्जन होती है, या दूसरे जो मैली जगह जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी होती है, हमारे यहाँ जहाँ पर छाया धूप नहीं पड़ती है वहाँ पर होती है, पानी पूनी वहाँ पर होता है। 5 साल पहले जब मेरे को प्राप्त हुई थी ना जी, तो उस टाइम भी मैंने वैद्य हंसराज जी को बताया था, तो उन्होंने कहा सेम गुच्छी है, तो फिर मैंने सुखा के रख ली थी। वहीं किशोरी के साथ आए हुए गांववासी अशोक कुमार ने बताया कि गुच्छी गांव में मिली है और इस गुच्छी के बारे में दूसरे जिलों में भी पता किया है, जिससे पता लगा है कि ये गुच्छी ही है। उन्होंने बताया कि ज्यादा नमी वाली जगह पर और पानी की मात्रा के साथ गुच्छी पाई जाती है। गुच्छी हमें मोही के नीचे एक नाला है वहाँ पर मिली है, हम दो भाई चले थे इकट्ठे, अब मैंने दोनों को एक को दिखाई दी, फिर हमने वहाँ से ढूंढा इसको और फिर 5-10 मतलब ये मिले फूल। ऐसे अभी इन भाइयों को 2 दिन बाद 4 बार पहले भी मिल चुकी है, तो इन्होंने कोई महात्मा को दी को किसी को दी, तो ये बोलते हैं कि महात्मा ने बताया कि गुच्छी है। कुल्लू मनाली से भी पता किया लोगों से, तो ये बोलते हैं कि गुच्छी है। गौरतलब है कि गुच्छी की पैदावार अक्टूबर और नवंबर माह के बीच ही पैदा होती है। गुच्छी की डिमांड विदेशों में ज्यादा और गुच्छी में विटामिन डी और सी हार्ट की बीमारी के लिए फायदेमंद होती है। इस तरह हमीरपुर में भी गुच्छी मिलने पर लोगों में हैरानी बनी हुई है।